नॉर्मल पे ये आपका पेट्रोल पे आपका लगभग 20 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज निकालती है, और सीएनजी पे आपकी इसकी 30 किलोमीटर का एवरेज आती है। हाँ जी दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप? मैं ऋषिराज आप सबका अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। कई दिनों से हमारा वीडियो नहीं आ पाया था क्योंकि बीच में हमारा एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पाए थे। हम फिर से वापस आ गए हैं आपके लिए लेके दुनिया की, अपने इंडिया की सबसे प्यारी और सबसे अफोर्डेबल फैमिली कार, जिसे मारुति सुजुकी वैगन आर कहा जाता है। ये इंडिया की टॉप सेलिंग लिस्ट में भी कई दिनों तक रहेगा। वैगन आर का BXi जो टॉप मॉडल होता है, इसका CNG वेरिएंट जिस तरह आज महंगाई बढ़ रही है, फ्यूल का रेट इतना तेज़ बढ़ रहा है, CNG वेरिएंट एक फैमिली के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। काफ़ी बड़ी और ब्रॉड लाइट हेडलैम्प दिया गया है, ऑटोमेटिक नहीं है, LED नहीं है, हैलोजन लैंप है। नीचे फॉग लैंप आप इसको एसेसरीज़ में लगवा सकते हैं। BXi के CNG वेरिएंट में फॉग लैंप्स नहीं आते हैं, तो हमने इसे एसेसरीज़ में लगवाई थी। ये आपकी क्रोम लाइनिंग, बीच में आपका मारुति का लोगो, यहाँ एक टोचन हुड आपका बनाया गया हुआ है, सेम इधर भी वैसा ही है। व्हील्स आपको एलॉय नहीं मिलेंगे, नॉर्मल ही मिलेंगे इसमें आप। ये आपका मिरर बॉडी कलर में ही मिलेगा। डोर हैंडल्स आपको बॉडी कलर में मिलेंगे। डोर वाइज़र देखिए हम लोगों ने एसेसरीज में ही लगवाया हुआ है। काफ़ी बड़ी और लॉन्ग टेल लैंप इसकी लगवाई गई हैं। ऊपर टेल लैंप्स, ये भी LED में नहीं है, हैलोजन में ही है। नीचे आपका रियर इंडिकेटर का लेफ्ट इंडिकेटर, और ये बैक करने के लिए जो आपका आता है एक लाइनिंग जो कनेक्ट होती है, मारुति ने इस टाइम दी है। देखिए यहाँ से लाइन उठती है और ये पूरी ये जाके यहाँ पे आके ये पूरा पीछे से पूरी कनेक्ट करती है एक दूसरे को। एंटीना आपको नॉर्मल दिया जाएगा, शार्क फिन एंटीना नहीं है। आइए इसका हुड खोल के इसके इंजन देखते हैं कैसा है इसका इंजन। CC का इंजन मारुति हमें प्रोवाइड करती है वैगन आर में। 88 BHP की पावर और 55 Nm का टॉर्क जनरेट करती है ये कार हमारी। देखिए आप इसका इंजन साउंड सुनिए। काफ़ी साइलेंट इंजन है ये, रेस देने के बाद आप इस तरह थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी मारुति के इंजन वैसे भी रिफाइंड होते हैं, काफ़ी साइलेंट इंजन होते हैं ये। चलिए आपको इंटीरियर की तरफ लेके चलते हैं। ये देखिए कुछ दिखता है ऐसा आपका डैशबोर्ड, आपको टच स्क्रीन नहीं आएगी, ऐसा नॉर्मल सा ही आएगा। ये आपका स्पीडोमीटर, काफ़ी अच्छा फीचर्स है, नॉर्मल सा है लेकिन ठीक है, अच्छा दिखता है, डिसेंट सा है। ये आपका नीचे ट्रिप कंट्रोलर है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका टूर मीटर दिखाता है, नीचे टाइम दिखाएगा, उसके बगल फ्यूल लॉस का मीटर दिखाएगा। यहाँ पर आपका ये फॉग लैम्प वाला, ये आपका लाइट आपका कंट्रोलर है, लाइट कितनी ऊपर नीचे जाएगी। बाकी आप एसेसरीज में आपको लगवा सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका हॉर्न है कुछ इस तरह। हाँ जी, ये आपका ड्राइवर साइड एयरबैग इधर आता है, पैसेंजर साइड एयरबैग इधर आता है। कभी आपका एक्सीडेंट होता है तो भगवान न करे ऐसा कभी हो, लेकिन फिर भी मारुति अब सेफ्टी पे ध्यान दे रही है। बस बॉडी थोड़ी सी इनकी कमज़ोर होती है, लेकिन हाँ इंटीरियर से थोड़ा मजबूत दे रहे हैं। आपका एयरबैग एक इधर देंगे, डुअल एयरबैग में आती हैं। AC आपकी ये देखिए बनी हुई है, यहाँ पे आप AC कंट्रोल कर सकते हैं। ये इससे आप नीचे के ऑप्शन कर सकते हैं कि हवा कहाँ पे लगेगी, ये ऊपर कर सकते हैं। ये इधर हीटर का भी ऑप्शन किया जा सकता है, ठीक है। ये आप फैन स्पीड यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से AC ऑन ऑफ कर सकते हैं।
यहाँ से कूलिंग और हीटिंग दोनों ऑप्शन आपके सामने हैं, दोनों में आप जो चाहें वो करवा सकते हैं। ये आपका है ऑडियो कंट्रोल सिस्टम, ये आपका 5+1 स्पीडो गियर मीटर है, 5 गियर हैं प्लस 1 रिवर्स है, काफ़ी नॉर्मल सा है, छोटा सा है लेकिन काफ़ी अच्छी शिफ्टिंग है इसकी आपकी। अब इसको हम फर्स्ट गियर पे लगा देते हैं। ये आपके थोड़े से स्पेस, कुछ क्वाइंस या मोबाइल फ़ोन रखने के लिए, यहाँ पे एक चार्जिंग बोर्ड दिया गया है। आपको ग्लोव बॉक्स की तरफ दिखाते हैं, ग्लोव बॉक्स काफ़ी बड़ी साइज़ का है लेकिन अच्छा है, काफ़ी सामान आप इसको रख सकते हैं। कोल्ड ग्लोव बॉक्स नहीं है, इसमें लाइट भी नहीं है, अच्छा ग्लोव बॉक्स है। ये आपके एसी वेंट्स देखिए, एसी वेंट्स यहाँ पे बने हुए हैं, एक एसी वेंट्स ये हैं, एक एसी वेंट ये है, एक एसी वेंट ये है और एक एसी वेंट्स ये है। ये आपका डे नाइट शिफ्टेड ORVM है, आप इसको डे नाइट शिफ्ट कर सकते हैं। ये आपका लाइटिंग, ये आपका सनशेड, जैसे आपको मेहमान लीजिए कभी हैं तो आपको धूप लग रही तो आप इसको कर सकते हैं, मिरर के साथ आता है, इसको आप एडजस्ट उठा करके इधर से इधर भी एडजस्ट कर सकते हैं, मान लीजिए इधर की धूप है तो इधर कर सकते हैं, फ्रंट की धूप है तो आप इधर कर सकते हैं। ड्राइवर साइड में कोई मिरर नहीं आता लेकिन एक टिकट होल्डर आता है, यहाँ पे आप रख सकते हैं, ठीक है, पेपर फंसा सकते हैं, कुछ सामान रख सकते हैं। ये भी आपका एडजस्टेबल है, ये भी उठ जाएगा, उठ के इधर साइड आ जाएगा, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये इसका हैंड ब्रेक है, काफ़ी बड़ी साइज का हैंड ब्रेक है और एकदम रीचेबल है, जैसे आपका ये जो गियर है, गियर शिफ्ट भी एकदम रीचेबल, नॉर्मल सा हाथ, अगर आप छोटी ही साइज़ का हाइट का बंदा है तो उसका भी हाथ आराम से पहुंच जाएगा। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है आपका डैशबोर्ड, सिंपल सा है, काफ़ी यूनिक सा है, मतलब फीचर्स ये आपका डैशबोर्ड ऐसा है कि काफ़ी टाइम बाद भी आपको पुराना सा फील नहीं होगा, बोरिंग सा फील नहीं होगा, ठीक है। बूट देख खोल के दिखाते हैं, रियर से कुछ ऐसा व्यू आता है इसका, सिमिलरली वोल्वो XC60 और XC90 का लुक बनाया गया है, और नई स्कॉर्पियो N जो आई है वो भी इसी बेस पे कुछ बनी हुई है, देखने में लगभग सिमिलर ही लगती है। देखिए यहाँ पे इसका एक बटन है, यहाँ पे इसको ऐसे प्रेस किया जाता है, ये जैसे ही प्रेस करेंगे आराम से आप देखें, काफ़ी बड़ी साइज़ का बूट है, 340 लीटर का बूट है ये। ये आपको एक पार्सल ट्रे दी जाती है, पार्सल ट्रे इसमें आप जैसे सामान वगैरह कुछ ऊपर रख सकते हैं। चलिए आपको अब लेके चलते हैं एक शॉर्ट सी राइड पे। देखिए सीट बेल्ट कंट्रोल, हमने लोगों ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो ये आपको वार्निंग साइन दिएगा, टिंग टू करेगा कि आप सीट बेल्ट लगा लीजिए, ये काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है आपके लिए। काफ़ी अच्छी इसकी शिफ्टिंग है, काफ़ी अच्छी इसके आपके पिकअप बहुत अच्छे, मारुति गाड़ी वैसे भी पिकअप के लिए मानी जाती है। स्मूथली चलती है, जैसे मतलब समझ लीजिए आप गाड़ी कोई बहुत अच्छे से प्रेम से चला रहे हो, मारुति की गाड़ी के इंजन वैसे भी रिफाइंड इंजन माने जाते हैं तो ये इंजन वैसे भी बहुत अच्छा होता है। तो आपको हमारा ये वैगनार पे वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, और हाँ वैगनार काफ़ी अच्छी कार है, कम्फर्टेबल और कम्फर्टेबल कार है, अपने इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिंग कार रह चुकी है ये, और लगभग अभी भी नंबर 2 पे ही है, और जो नंबर 1 पे है वो भी मारुति की ही स्विफ्ट आती है, तो वैगनार काफ़ी बेस्ट कार मानी जाती है, एक फैमिली के लिए परफेक्ट कार होती है, बेस्ट एवर कार हमेशा के लिए मानी जाती है हर हिसाब से, मतलब एक आपका इसका माइलेज देख लीजिए, इसकी आप कोई परफॉर्मेंस देख लीजिए, कुछ भी आप देख लीजिए, मतलब इसका आप डिज़ाइन देख लीजिए, लुक देख लीजिए, कुछ भी हर हिसाब से ये सबसे बेस्ट कार मानी जाती है, फैमिली के लिए सबसे बेस्ट कार है। एक 5 जैसे मान लीजिए आप 4 या 5 की फैमिली है, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है, मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बेस्ट कार मानी जाती है वैगन आर, शायद इसीलिए काफ़ी ज़्यादा बिकती है, लो मेंटेनेंस होती है और इनका माइलेज काफ़ी अच्छा है, और जो इन्होंने VXI टॉप मॉडल में CNG वेरियंट निकाल दिया है ये बहुत अच्छा काम किया है। जैसे कुछ लोग होते हैं CNG में गाड़ी लेना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें बेस मॉडल ही मिलता है, मीन्स LXI पे ही CNG आती है, पहले वैगन आर आपकी LXI पे आती थी, जैसे अभी आपकी i10 Nios आती है वो आपकी जो आती है CNG में वो बेस मॉडल पे ही बनाई जाती है, टॉप मॉडल पे नहीं बनाई जाती है। तो लेकिन वैगन आर मारुति वालों ने कुछ ऐसा काम किया है कि लोगों को प्रीमियम का भी फील हो, प्रीमियम सेगमेंट का वो फील कर सकते हैं, टॉप मॉडल में वो आपको CNG में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आपको प्रीमियमनेस भी फील हो और आप माइलेज भी अच्छा निकाल सकें। 32-34 कंपनी है इसको क्लेम करती है लेकिन एज अ मतलब ये हम लोगों का एक्सपीरियंस है कि लगभग 30 की एवरेज आपको नहीं मिल जाएगी। चलिए
आपको कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हम लोग काफ़ी मेहनत करते हैं आपके लिए, उसके लिए थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।